सुनीता जी की बहू की उम्र अब लगभग 37 साल की हो चुकी थी, लेकिन दिखने में अब भी वो किसी 22 साल की लड़की की तरह खूबसूरत लगती थी। सुनीता जी की बहू का नाम था अवनी। अवनी की खूबसूरती देखकर मोहल्ले की सारी औरतों को उससे जलन होती थी। 37 साल की उम्र में भी अवनी काफी चॉकलेटी लगती थी और इसकी वजह से उसका पति अनिरुद्ध काफी खुश रहता था। अरे अवनी, हमारी पड़ोसन कल कह रही थी, सुनीता जी आपकी बहू को देखकर तो लगता ही नहीं कि 37 की हो गई है। हो सकता है मम्मी जी, उनकी बहू 27 साल की उम्र में भी 37 की लगने लगी है, इसीलिए बेचारी को आपसे जलन हो रही होगी। वैसे बहू, मैं किसी से कहूंगी नहीं, लेकिन एक बात तो बता, तुम्हारी इस जवानी का राज क्या है? क्या बताऊं मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं, मेरे पापा की चॉकलेट की दुकान थी। मुझे बचपन से ही ना चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था। और एक बात बताऊं, मैंने अपने बेडरूम में एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट रखी हैं और रोज कम से कम 4 चॉकलेट खाती हूँ। बस इसी की वजह से मैं इतनी चॉकलेटी और खूबसूरत दिखती हूँ। अरे लेकिन मैंने तो सुना था कि ज्यादा मीठा खाने से आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। ये सब कहने की बातें हैं। चॉकलेट खाने से तो इंसान मीठा मीठा बोलता है और खूबसूरत दिखता है, लेकिन आप किसी से कहना मत सासू माँ। अगले दिन जब सुनीता जी अपने पड़ोस की औरत से मिलती है तो उनके पड़ोसन फिर से वही सवाल करती है। अरे सुनीता जी, बताइए तो सही, आखिर आपकी बहू इतनी चॉकलेटी कैसे दिखती है? कल देखा था मैंने, ब्राउन कलर की साड़ी पहनकर बिल्कुल चलती फिरती चॉकलेट नजर आ रही थी। वैसे मैंने अपनी बहू से पूछा था, अब देखो उसने ना मुझे किसी को बताने से मना किया है, लेकिन तुम मेरी सहेली हो इसलिए बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ, बताओ ना सुनीता बहन, मैं भी उसका नुस्खा अपना लूंगी और जवान दिखने लगूंगी। और मेरी बहू वो तो 27 साल की उम्र में ही बूढ़ी होने लगी है, फिर देखना अपनी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। मेरी बहू ने बताया था कि वो भर भर की चॉकलेट खाती है, लेकिन देखो तुम किसी को बताना मत। जवान और खूबसूरत दिखने के चक्कर में सुनीता और उसकी पड़ोसन दोनों मिलकर खूब चॉकलेट खाने लगते हैं, लेकिन ये बात वो दोनों किसी को नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे भी पैर बहुत दुखते हैं। जब से चॉकलेट खाना शुरू किया है तब से ही ऐसा हुआ है। जवानी तो दूर, मेरे तो चेहरे की स्किन लटक कर नीचे आ गई है। कुछ दिनों के बाद, अनिरुद्ध बेटा, मैं डॉक्टर से ब्लड शुगर चेक करवाने गई थी, मुझे तो डायबिटीज हो गई है। मम्मी, लेकिन कुछ दिन पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक आपको डायबिटीज कैसे हो गई? आप तो मीठा भी कम खाती हैं। हाँ हाँ, मैं कहाँ मीठा खाती हूँ, लेकिन पता नहीं डायबिटीज कैसे हो गई। सुनीता अपने बेटे अनिरुद्ध से चॉकलेट खाने वाली बात को छुपा लेती है और अपनी पड़ोसन सहेली के पास जाती है। अरे क्या बताऊं बहन, चॉकलेट खाने के चक्कर में जवानी तो आ नहीं रही, डायबिटीज की बीमारी लग गई। हाय रे, मेरे साथ भी यही हुआ, मैं अभी डॉक्टर से शुगर चेक करवा के आई तो पता चला कि डायबिटीज आ गई है। अरे भगवान भला करे तुम्हारी बहू का, जिसने हमें चॉकलेट खाने की सलाह दी। लेकिन मेरी बहू ने कब कहा कि हमें चॉकलेट खानी चाहिए, उसने तो ये बताया था कि वो चॉकलेट खाती है। लेकिन अब हम क्या करें, हम दोनों तो जवान दिखने के चक्कर में बीमारी की चपेट में आ गए। तुम कहो तो मैं अपनी बहू से ही इसका इलाज पूछ लेती हूँ। अरे वो तो इतना चॉकलेट खाती है, उसे भी तो डायबिटीज हुई होगी ना, तो वो भी तो अपना ध्यान रखती होगी। अरे रहने दो रहने दो, तुम्हारे चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। जानती हो हमारे मोहल्ले की सारी औरतों को डायबिटीज हो गई है। अरे लेकिन उन्हें कैसे डायबिटीज हो गई, यह कोई छूत की बीमारी थोड़ी ना है। बुरा मत मानना, वो तुम्हारी बहू का जवान दिखने वाला नुस्खा मैंने उन सबको भी बता दिया था। हाय रे, ये क्या कर दिया तुमने, मोहल्ले की सारी औरतों को मीठे की बीमारी लगा दी। अरे लेकिन अब क्या होगा ये बताओ। होना क्या है, जवानी तो दूर, अब बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और फिर अगले दिन, मम्मी जी मैंने सुना आपकी शुगर बहुत हाई आई है। हाँ बहू, अब मैं बीमार ही रहूंगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। अरे मम्मी जी, लेकिन आपने ऐसा क्या किया
अचानक से आपका शुगर लेवल इतना बढ़ कैसे गया? वो क्या है ना बहू, तुम इतनी चॉकलेटी दिखती हो, इतनी सारी चॉकलेट खाती हो, तो मुझे लगा मैं भी छुप छुप कर चॉकलेट खाना शुरू कर देती हूँ ताकि जवान हो जाऊंगी, और इसी चक्कर में मुझे डायबिटीज हो गई। अरे मम्मी जी, ये आपने क्या किया, मैं तो शुगर फ्री चॉकलेट खाती थी, वो भी ड्राई फ्रूट्स वाली। आपको पहले पूरी बात तो पता करनी चाहिए थी। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी पड़ोसन को ये नुस्खा बताया और उसने सारे मोहल्ले की औरतों को। हाँ? तो क्या मोहल्ले की सारी औरतें डायबिटीज की शिकार हो गई हैं? और नहीं तो क्या, सबको तुम्हारी तरह चॉकलेटी और जवान जो दिखना था। अब हम क्या करें, सबका पाप हमारे ही मत्थे लगेगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप उसकी चिंता मत करिए, कल पार्क में मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाइए, देखना मैं कुछ न कुछ इलाज जरूर बताऊंगी। अवनी के कहने पर सुनीता मोहल्ले की सारी औरतों को पार्क में बुलाती है। अब हमें यहाँ क्यों बुलाया है, पहले ही तुम्हारी बहू के चक्कर में डायबिटीज हो गई है हमको। चॉकलेटी बनना तो दूर, खुद चलता फिरता चॉकलेट का डब्बा बन गया है, मीठे की बीमारी जो लग गई है। अरे हाथ पांव इतने दुखते हैं, ऐसा लगता है अभी से बुढ़ापा आ गया। सुनीता बहन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे आप सब लोग चुप हो जाइए, बस कुछ दिन की बात है, सब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो जाएंगी। अब हमें तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। ठीक है, तो क्या आप लोग मेरी तरह चॉकलेटी, खूबसूरत, अच्छा नहीं दिखना चाहती? दिखना तो चाहते हैं, लेकिन अब देखने के लायक भी नहीं रहे। देखिए, कल से रोज सुबह 5:30 बजे सब लोग मुझे यहाँ पर मिलेंगे, हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाएंगे, और देखना धीरे धीरे कैसे ये बीमारी आप लोगों का पीछा छोड़ देती है और आप फिर से जवान दिखने लगेंगे। सारी औरतें का लेवल पहले से कम हो जाता है और हेल्थ पहले से भी अच्छी। बहू भगवान भला करे तुम्हारा, वरना सब लोगों की हाय हमको लग जाती। मम्मी जी, कभी भी किसी की भी पूरी जानकारी के बिना कॉपी नहीं करनी चाहिए, भले ही वो चॉकलेटी और जवान बनने की बात हो या फिर कुछ और। हाँ एक बात और, जब भी आपको चॉकलेट खानी हो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगी आपको चॉकलेट शुगर फ्री वाली।